नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनाहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एनकाउंटर की पहली खबर दुकानदार और कस्टमर के बीच हुई इस मामूली कहासुनी से जुड़ी है, जिसने देखते ही देखते खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली और फिर वो मामूली विवाद उस खूनी अंजाम पर जाकर खत्म हुआ, जिसकी दस्तक से हर तरफ दहशत फैल गई। मातमी ये मंजर बुलंदशहर के जिला अस्पताल का है। स्ट्रेचर पर एक लहूलुहान लाश पड़ी है। बॉडी के नजदीक खड़ा ये भाई अपने भाई की मौत पर गमजदा है। बदहवास इतना है कि शायद कोई चुप भी ना करा पाए। लाजमी भी है, उस भाई की लाश सामने पड़ी है जिसके साथ पूरा बचपन गुजारा, जिसके साथ खेला कूदा। और आज एक खूनी दरिंदे ने मामूली सी बात पर इसके भाई के जिस्म से उसकी जान निकाल दी, गोली मार दी। ये भी नहीं सोचा कि जिंदगी की कीमत क्या है, क्या गुजरेगी पीड़ित परिवार पर, क्या बीतेगी बुजुर्ग बाप पर, और कैसे एक भाई अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन अब किया क्या जाए, परिवार पर तो दुख का पहाड़ टूटा है और आवाज उठी है उन आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिन्होंने इंसानियत की परवाह किए बगैर कानून का मजाक उड़ाया और एक निर्दोष के खून से अपने हाथ रंग लिए। आइए आप भी सुनिए कत्ल की वो मामूली सी वजह जिसके लिए खूनी खेल खेला गया। जी, ये सुबह के टाइम में ये लड़का आया था सेविंग करवाने के लिए, कटिंग सेविंग कराने के लिए। तो उसने जो है बोलेगा मेरी बनेगी पहले, सबसे पहले बोलेगा ना मेरी बनेगी पहले। उसने जो गाली गलौज दी, फिर मैंने गाली गलौज देने के बाद में उसमें हाथ पाई हो गई, वो घर पर गया। उसने आने घर पर आने के बाद में उसने गोली मार दी उसके। पहले का तो कोई विवाद नहीं है सर उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, खाली सेविंग बनाने के लिए जो है। हाँ जी, हाँ जी। बुलंदशहर की नगर कोतवाली के ढाकर गांव का बाशिंदा शाहरुख, जो पेशे से एक नाई था और इलाके में फैंटास्टिक सैलून नाम से दुकान भी चलाता था, 13 अगस्त 2015 की सुबह जब दुकान पर गया तो अंजाम था कि सलीम उर्फ जुल्लन नाम के कस्टमर की शक्ल अख्तियार कर वो अनहोनी दस्तक देगी जो उसकी जिंदगी छीन ले जाएगी। जी हाँ, पुलिस की माने तो सुबह के जब 9 बज रहे थे, सुनाई शाहरुख की दुकान पर इलाके का रहने वाला दबंग सलीम उर्फ जुल्लन आया। कस्टमर सलीम ने नाई शाहरुख पर दबाव बनाया कि पहले मेरे बाल काटो और शेव बनाओ, लेकिन शाहरुख की दुकान पर पहले से ही ग्राहक मौजूद थे। जब नाई शाहरुख ने कहा कि थोड़ा इंतजार करो तो फिर कस्टमर सलीम भड़क गया और इस बात पर विवाद करने लगा। कहा सुनी हुई, तब तो कस्टमर सलीम नाई शाहरुख की दुकान से चला गया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद अपने दो साथी अहमद अली और मोहसिन के साथ वापस लौटा तो नाई शाहरुख पर गोली दाग दी। गोली लगते ही नाई शाहरुख जमीन पर गिर पड़ा और फिर देखते ही देखते दम भी तोड़ दिया। प्रजा नगर कोतवाली में सुबह क्षेत्र की घटना है, ढाकर गांव वहां पड़ता है, जहां पर एक सलीम नाम का व्यक्ति है जो कि शाहरुख नाम का व्यक्ति जो है सलीम, जिसकी मतलब बाल काटने की दुकान है, उस पर बाल बनवाने गया था, दाढ़ी बनवाने गया था, जहाँ पर मामूली सी कहासुनी के पीछे सलीम द्वारा जो है सलीम अहमद अली मोहसिन तीन व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 302 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और इसमें आरोप है कि मामूली सी कहासुनी के पीछे शाहरुख की गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा इसमें नामजद अभियुक्त अहमद अली को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी तफ्तीश की जा रही है। दिन दहाड़े नाई शाहरुख की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। शाहरुख का परिवार बिलक उठा, तड़प उठा। पीड़ित परिवार के बयान पर पुलिस ने कातिल कस्टमर सलीम और उसके साथी अहमद अली और मोहसिन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अहमद अली को अरेस्ट कर फरार सलीम और मोहसिन की तलाश तेज कर दी। लेकिन नाई शाहरुख की हत्या से ये बात साबित होती है कि आज इंसान के सब्र का बांध टूट चुका है। किसी भी इंसान पर गुस्सा हर वक्त हावी रहता है, जो किसी भी शख्स के लिए खतरनाक है, संगीन अपराध तक करवा डालता है।
कपिल शर्मा, बुलंदशहर समाचार प्लस। फिरोजाबाद के रहने वाली इस आशिक ने कासगंज की रहने वाली जिस लड़की से इश्क किया, वहां आशिकी को एक मुकम्मल मंजिल की तलाश थी, लेकिन माशूका के प्यार में दीवानी आशिक की मोहब्बत दकियानूसी उस खूनी सोच पर जाकर खत्म हुई, जहां मोहब्बत की सजा मौत सुनाई गई। तेईस साल के आशिक गौतम की गुमशुदगी के 6 दिन गुजर चुके थे। परिवार थक चुका था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किन परिस्थितियों में गौतम गायब हुआ। मामला पुलिस के भी संज्ञान में था, मगर ना तो पुलिस की तफ्तीश किसी ठोस नतीजे पर खत्म हो पा रही थी और ना ही परिवार को कोई तसल्ली वाली खबर मिल पा रही थी। मगर बेटे गौतम की तलाश में खाक छानते परिवार ने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि बेटे गौतम की तलाश करता रहा। लेकिन क्या पता था कि जिस गुमशुदा बेटे गौतम की तलाश जारी है, वो एक ऐसी साजिश का निवाला बन चुका है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। जी हां, 6 अगस्त 2015 से लापता हुए आशिक गौतम की संदिग्ध बॉडी 6 दिन बाद यानी 12 अगस्त 2015 की सुबह कासगंज की कोतवाली से सटे गांव साहवर के जंगल में पड़ी मिली। लाश सड़ चुकी थी, सिर्फ कंकाल बचा था। तन पर पड़े कपड़ों के आधार पर आशिक गौतम की निशानदेही सुनिश्चित की गई। सर, हमारा भतीजा है गौतम जी, वो 6 तारीख से घर से निकला है। एक लड़की ने फोन किया था, नंगला क्या बोलते हैं, कुमाई जी, वो बुलाया, रात को आया था, उसके बाद उसका पता नहीं चला था। फिर हमारे गाँव घरवाल ने ढूंढा, ढोल की थी तो फिलहाल नहीं मिला था। हमें 12 तारीख को सूचना मिली थी, ऐसे ऐसे वहां पर ढूंढने आए थे तो कंकाल मिला था। मूल रूप से आशिक गौतम फिरोजाबाद के गांव कुंजपुर का बाशिंदा था, लेकिन कासगंज के थाना साहवर गांव नगला खिमाई की रहने वाली 22 साल की माशूका मंजू से दिल लगा बैठा। दोनों की दिल लगी पूरे परवान पर चढ़ती चली गई। इश्क में खोए प्यार के आजाद परिंदों ने ख्याली सपनों का आशियाना खड़ा कर लिया, जिसकी बुनियाद समाज और परिवार के रस्म रिवाजों से छिपकर खड़ी की जा रही थी। यानी ना तो आशिक गौतम के परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी, ना ही माशूका मंजू के परिवार वालों को। लेकिन जब आशिक गौतम और माशूका मंजू की मोहब्बत माशूका पक्ष के काम तक गई, तो माशूका मंजू के परिवार ने पाक मोहब्बत को मौत की सुली पर टांग दिया। अपने थाने में सावर थाने पर आ गई थी, कार्रवाई करके सारा जितने मुंजम थे सब गिरफ्तार लिए हैं और पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। तो क्या चक्कर था, कब गायब हुआ था ये? 6 तारीख को। तो क्या इसके प्रेम संबंध चल रहा था? लड़की के प्रेम संबंध। तो अब क्या आपने क्या किया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की है, मुंजम सब गिरफ्तार हो चुके हैं। आशिक गौतम के चाचा सुखवीर सिंह का साफ कहना है कि भतीजे गौतम को मोहब्बत करने की सजा दी गई, बेरहमी से मौत के घाट उतार शव को जंगल में ठिकाने लगा दिया गया, जहां 6 दिनों तक एक परिवार बेसब्री के अश्क बहाता रह गया। लेकिन माशूका पक्ष ने जो खूनी किस्सा लिखा, उसकी खौफनाक सच्चाई किसी से छिप नहीं सकी। ये कंकाल एक गौतम सिंह जो फिरोजाबाद के थाना एका का रहने वाला है, उसका कंकाल बताया जा रहा है। इसके परिजनों ने इसको जो वहाँ पे कपड़े मिले हैं उसके आधार पर इसकी पहचान की है। हालांकि ये और कोई ऐसा वो नहीं है वहाँ पे जिससे पहचान हो सके। ये पूरी तरह से बॉडी खाई हुई है, सिर्फ कंकाल ही कंकाल है। माशूका मंजू ने जिस आशिक के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखी, वहां दकियानूसी सोच से ग्रस्त परिवार वालों ने आशिक गौतम की जिंदगी हलाक कर दी। मोहब्बत को मौत देकर जाहिर कर दिया कि आज भी प्यार करने वालों की आशिकी दम तोड़ रही है। जरूरत एक बदलाव की है, समझदारी दिखाने की है, वरना आशिक गौतम की तरह न जाने और कितने बेगुनाहों की बलि चढ़ती रहेगी।
नरेंद्र पालीवाल, कासगंज, समाचार। बरारन काउंटर पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे बीजेपी नेत्री से बलात्कार। छह साल, जी हां, छह साल तक बीजेपी नेत्री ने समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए जिस मानसिक प्रताड़ना का तंत्र झेला, वहां उस मजलूम की हर वो नाकाम कोशिश साबित हुई जहां हैवानियत सहना बर्दाश्त से परे हो चुका था। लेकिन हालात की मारी उस महिला ने जब अपना मुंह खोला तो इंसानियत भी जार जार हो उठी। जननी के जिस्म पर दिए गए घाव की जिस घिनौनी कहानी से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, उसकी घिनौनी सच्चाई सुनकर यकीन मानिए आपका सर शर्म से शर्मिंदा हो जाएगा। जब इस महिला की दास्तानी दहशत आपके कानों तक पहुंचेगी, जरा गौर से सुनिएगा। अब से 7 साल पहले यानी 2008 में बदायूं के थाना कोतवाली इलाके की रहने वाली बीजेपी नेत्री ने इलाके के ही रहने वाले स्थानीय दबंग भाजपा नेता उमेश राठौर से नजदीकियां बढ़ाई। दबंग बीजेपी नेता उमेश के साथ मिलकर पार्टनरशिप में ईंट भट्टे का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन व्यवसायिक कामकाज के चलते बढ़ती करीबी का नतीजा एक दिन घिनौने मकसद पर जाकर खत्म होगा, इसका अंदाजा भी नहीं था। कई बार मैंने कोशिश की इसकी शिकायत करने की, लेकिन मैं नाकामयाब रही हूँ। इसके दबंगे से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों को करता है, मेरे पति को रिवॉल्वर रख देता है। दो एक बार उसने पति को मेरे बंद कर दिया, 2 दिन के लिए कहीं भिजवा दिया। कौन है ये, कोई नेता है? उमेश राठौर पहले BSP में नेता था, विधायक लड़ा बिनावर से, अब बीजेपी में शामिल हो गया है। पार्टी में बतौर जिला महामंत्री के पद पर तैनात इस महिला की जिंदगी साल 2009 में नर्क के मुहाने पर जाकर रुकी। हैवानियत से टूटी बीजेपी नेत्री की माने तो घर आए दरिंदे बीजेपी नेता उमेश राठौर ने नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। जी भर के मनमानी की, अश्लील तस्वीरें खींची, अश्लील MMS बनाकर खामोश रहने की धमकी दी। नतीजा, घिनौने सदमे से उभरने के बजाय बीजेपी नेत्री एक ऐसे भंवर में फंस गई जहां मन मुताबिक दबंग बीजेपी नेता उमेश ने बीजेपी नेत्री को बदनामी का डर दिखाकर जिस्म से खेलना शुरू कर दिया। जहां यौन उत्पीड़न के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना बर्दाश्त करना बीजेपी नेत्री के लिए नियति बन गई। 2009 में इसे कोई नशीली चीज़ सुंघा कर इसके साथ रेप किया, उसकी वीडियो कैसेट उन्होंने बना दी, वीडियो फिल्म या क्लिपिंग या फोटो, और उन्हें दिखा के डरा धमका के लगातार 2009 से अब तक उनका शारीरिक शोषण और शारीरिक यातनाएं, मानसिक यातनाएं और बलात्कार जैसे दुष्कर्म करता रहा। 6 साल तक हैवानियत का दंश झेलती बीजेपी नेत्री ने कई मर्तबा आवाज भी उठाई, लेकिन सत्ता से जुड़े दबंग बीजेपी नेता उमेश राठौर ने अपने राजनीतिक रसूख के दम पर मजलूम बीजेपी नेत्री की हर कोशिश पर पानी फेर दिया। कभी शौहर को जान से मारने की धमकी दी तो कभी बदनामी का डर दिखाकर खामोश कर दिया गया, मगर फिर भी हैवानियत से बाज नहीं आया। मेरे कार्यालय में उपस्थित होते एक पीड़िता ने तहरीर दी है जिसमें उनके द्वारा वर्ष 2009 में उन्हीं के एक परिचित व्यक्ति द्वारा उनके घर पर आकर बेहोश कर रेप करने और उसके पश्चात उनकी वीडियो क्लिपिंग बनाने और उस क्लिपिंग से डरा धमका के लगातार दुष्कर्म करने की बात कही है, और इसके पश्चात उन्होंने 11 तारीख को भी पुनः बलात्कार के प्रयास की बात उस तहरीर में अंकित की है। तहरीर के आधार पर अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
देर आए दुरुस्त आए, हैवानियत सहती बीजेपी नेत्री ने हिम्मत दिखाई, दरिंदे दबंग बीजेपी नेता उमेश राठौड़ के खिलाफ तहरीर लिखवाई, जहां पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर पीड़ित बीजेपी नेत्री को मेडिकल जांच के लिए भेजा, जिससे बीजेपी नेत्री के इल्जामों की तस्दीक की जा सके, और जालिम बीजेपी नेता उमेश के खिलाफ कार्रवाई, जिसने मर्यादा को ही खिलौना बना दिया, सत्ता की हनक में कानून को मजाक बना दिया। विशाल कुमार, बदायूं, समाचार। गोली मार मन चले। जी हां, उत्तर प्रदेश के हालात वाकई नासाज हैं। बहु बेटियां सुरक्षित कहां हैं, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तो शैतान मन चले किसी भी बहु बेटी की इज्जत पर हवस के हाथ डालते हैं, और जब वो बहु बेटी उनकी करतूत का विरोध कर बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठाती है तो गोली मार दी जाती है, जैसा कि एटा में हुआ। अगस्त 2015 की शाम, एटा के जिला अस्पताल, धुंधली तस्वीर के पीछे बैठी ये जख्मी महिला लाई गई। इसके सीने पर गोली लगी थी। महिला की हालत नाजुक थी, लिहाजा तुरंत एटा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने महिला का इलाज शुरू कर दिया। खबर मीडिया तक भी पहुंची, और फिर एटा के सरकारी हॉस्पिटल पहुंची मीडिया ने जब जख्मी महिला से गोली लगने की वजह पूछी तो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। 40 साल की इस बेवा महिला ने बताया कि 12 अगस्त की शाम घर के अंदर बैठी थी, तभी इलाके के 4 दबंग इसके मकान के भीतर दाखिल हुए, जिनके नाम सुनील, श्री कृष्ण, ऋषभ और सर्वेश हैं। इलाके के चारों दबंगों ने बेवा महिला से छेड़खानी शुरू कर दी, और जब बेवा महिला ने उनके घिनौनी करतूत का विरोध किया तो चारों शैतान मन चले बेवा महिला पर तमंचे से गोली दाग कर फरार हो गए। किसने गोली मारी आपको? सुनील। और कौन था? कृष्ण। तो क्यों मारी गोली? हम जब बैठे अपने द्वार पे बैठे वीरन, अब घर बैठे भाई छेड़खानी कर रहे आए। कौन कौन आए थे छेड़खानी करने? श्री कृष्ण आए और सुनील आओ। क्या श्री कृष्ण के हाथ में तमंचे भी थे? दो आए, दो तमंचे थे। हाँ, कातूल आए। अच्छा, सुना आपने क्या कहा एटा के थाना मलावन के सिंथरी गांव की रहने वाली पीड़ित बेवा महिला ने। नाम भी गिनवाए हैं गोली मार मन चलो के, लेकिन पीड़ित महिला की जिंदगी खतरे से बाहर नहीं थी, और इसकी बिगड़ती हालत के मद्देनजर एटा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने पीड़ित महिला को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, ताकि मन चलो की गोली का शिकार बनी महिला की जिंदगी बचाई जा सके। मगर हैरानी तो उस वक्त हुई जब मीडिया ने एटा SSP से सवाल दागा, क्या मामला है और क्यों बेवा महिला को गोली मारी गई, तो SSP साहब का जवाब शर्मनाक था। SSP साहब के मुताबिक महिला अवैध शराब का कारोबार करती है, आरोपियों से किसी पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ और तभी इसको गोली मार दी गई। छेड़खानी हुई है, उसका विरोध करने पर गोली मार दी गई, क्या है ये पूरा मामला? ग्राम सैथनी में एक 40 वर्षीय विधवा महिला को गोली मार देने की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। जो प्राथमिक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनके अनुसार महिला समौता अवैध शराब बेचने का कारोबार करती थी, इसी अवैध शराब के कारोबार में लेन देन को लेकर खरीदार आए थे, उनसे कुछ खास नहीं हुई, निश्चित रूप से असामाजिक तत्व थी, उन्होंने इसको गोली मार दी है। शायद आपने गोली लगी पीड़ित महिला का बयान नहीं सुना, अगर सुना होता तो शायद इतनी जल्दी ये तय कर जवाब नहीं देते कि बेवा महिला अवैध शराब का कारोबार करती है और रुपयों के लेन देन को लेकर ही गोली मारी गई। SSP साहब, सटीक तफ्तीश करिए, आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए, तब किसी नतीजे पर पहुंचकर जवाब दीजिएगा कि वारदात पैसे के लेन देन को लेकर अंजाम दी गई या फिर छेड़खानी के बाद विरोध करने की सजा दी गई। धनंजय सिंह पदोरिया, एटा, समाचार।
एनकाउंटर में आज बस इतना है, लेकिन हमारी आपसे वही एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस आहट को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।